हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बुडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरू जोटा ब्लॉग। ये है दोस्तों टाटा मोटर की मोस्ट अवेटेड मिड साइज एसयूवी कर्व, और ये ईवी अवतार है दोस्तों। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो बहुत ही स्टनिंग इसका फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए, आइए चलिए बात करते हैं। और सबसे पहले आप यहां पे देख पा रहे हो कनेक्टेड एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, सिक्वेंशियल टोन इंडिकेटर दिया गया इंटीग्रेटेड, और यहाँ पे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, उसके नीचे ट्विन फॉग लाइट दिया गया, नीचे एयरवेंट के लिए यहाँ पे जगह दिया गया जो कि इसके एरोडायनेमिक शेप बनाते हैं, बीच में टाटा का लोगो, जिसके नीचे चार्जिंग पोर्ट दिया गया, फ्रंट पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं यानी कि 360 डिग्री कैमरा। और जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो फ्रंट जो एयरवेंट है वहां पे आपको कुछ इस तरह का वर्टिकल स्लैट्स दिए गए हैं, और यहां पे स्किड प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया है, और नीचे पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी ऑसम, साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। बहुत ही जबरदस्त कूपे डिजाइन दिया गया इंडिया में पहली बार, और सबसे अच्छी बात है पियानो ब्लैक फिनिश में चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। और चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है, और यहां पे ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील कुछ इस तरह का दिया गया है। 18 इंच का ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील है, व्हील साइज है 215/55R18, व्हील आर्स पे ब्रॉड बॉडी क्लैडिंग दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में, और वहीं इसका जो ORVM है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। साइड में कैमरा दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाता है, और जो इसका ग्रैब हैंडल है फ्लश डोर हैंडल है, और यहाँ पे कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है, और रेन सेंसिंग वाइपर दिया गया है आपको, यहाँ पे एडास लेवल 2 मिल जाते हैं, लार्ज पैनोरमिक सनरूफ ऑफर किया गया है, बी पिलर सी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है, बहुत ही शानदार इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल। चलिए अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल जो कि सबसे ऑसम है दोस्तों, इसी बात के लिए ये कर्व इतनी फेमस है यानी कि कूपे डिजाइन दिया गया है। रियर प्रोफाइल में बहुत ही शानदार कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है जो कि वेलकम एंड गुड वाइफ फंक्शन के साथ आता है, और नजदीक से दिखा देता हूं। यहां पे शार्क फिन एंटीना दिया गया, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है, स्पॉइलर आपको हूबहू टिगोर से मिलता जुलता है दिया गया है, डिफॉगर दिया गया है, टेल गेट के बीचों बीच टाटा का लोगो, नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा, कर्व डॉट ईवी की बैजिंग दिया गया, दोनों ओर बहुत ही शानदार हाउसिंग में रिफ्लेक्टर्स एंड रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया, नीचे नंबर प्लेट की जो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, और यहां पे स्किड प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया, साथ में बॉडी क्लैडिंग आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया। ओवरऑल इसका रियर प्रोफाइल काफी जबरदस्त, जो इसका इंटीरियर है दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हो टाटा नेक्सॉन की तरह ही हूबहू दिया हुआ है। फ्रंट आपको वेंटिलेटेड सीट ऑफर किया गया है, सेंटर कंसोल 12.3 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे 4-स्पोक टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिया गया, यहाँ पे DCT का ऑप्शन दिया गया है, 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाते हैं, साथ में EMT गियरबॉक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, टाटा टोन में आपको यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट, स्टीयरिंग व्हील के ठीक लेफ्ट साइड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन प्रोवाइड किया गया है, स्लीक डिजाइन में AC वेंट दिया गया है, और आर्मरेस्ट कुछ इस तरह 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा सभी वेरिएंट्स में, और काफी जबरदस्त। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो रियर AC वेंट प्रोवाइड किया गया जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखा पा रहा हूं, और चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, 60-40 स्प्लिट होता है रियर सीट, और साथ में आर्मरेस्ट दिया गया है कुछ इस तरह, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पार्सल ट्रे कुछ इस तरह, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, काफी अच्छी खासी लेग रूम और नी रूम आपको मिल जाती है। ओवरऑल इसका इंटीरियर बहुत ही शानदार है दोस्तों। जहां तक बूट स्पेस की बात करें तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेस्चर कंट्रोल आपको प्रोवाइड किया गया है, पावर टेलगेट यानी कि, और यहां पे भरपूर जगह मिल जाते हैं, 422 लीटर का बूट स्पेस, और यहां पे कुछ इस तरह का पावर टेलगेट आप बंद कर सकते हैं, और ओवरऑल इसका जबरदस्त स्पेस रहने वाला है टाटा कर्व ईवी और टाटा कर्व IC वेरिएंट में। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टाटा कर्व ईवी एंड IC वेरिएंट को मिल चुके हैं भारत एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। जी हां दोस्तों, इसके अलावा आपको मिलते हैं 6 एयरबैग, ABS-CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो डिमिंग, IRBM, 3 ड्राइव मोड्स, इको सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे जबरदस्त फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। टाटा कार दोनों ही वेरिएंट में लॉन्च होगी यानी कि लॉन्ग रेंज एंड मीडियम रेंज। जी हाँ दोस्तों, 40 kWh बैटरी एंड 50 kWh बैटरी आपको मिलने वाले हैं तकरीबन, और रेंज आपको
465 and 550 किलोमीटर की देने वाले हैं एक बार चार्ज करने पर। दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूज करना चाहते हैं तो क्रेडिट जरूर दीजिएगा। ये थी दोस्तों टाटा कर्व ईवी की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट राइड्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।